नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुदल। आप देख रहे हैं आर टाइटल बाय आर के इजी। मैं आज सावन के शुभ अवसर पर बहुत ही आसान तरीका से शिवलिंग का ड्राइंग करने के लिए सिखाऊंगा, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले आप क्या करना है, आपको एक और एक और एक लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ से यहाँ एक तीन लिखना है, फिर से यहाँ से ऐसे मिला देना। इतना जगह है तो इतना जगह छोड़कर फिर से आपको उल्टा तीन ऐसे लिखना है। ऐसे लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको इसमें मिला दीजिए, इसको इसमें मिला दीजिए, इसको इसमें मिला दीजिए। इसको मिलाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से बिल्कुल सीधा आने देना है, इसको इसमें मिलाकर यहाँ से यहाँ तक इसको इसमें आने मिला दीजिए। ऐसे मिलाने के बाद क्या करना है, इसको ऐसे करके आने दीजिए एकदम पूरा और यहाँ तक आने दीजिए। अब क्या करना है, इसमें यहाँ आँख दे दीजिए और यहाँ ऐसे, ये आपका सांप बन जाएगा। ये सांप बनने के बाद आपको क्या करना है, इसको आप गोलाई से एकदम वृत्तकार से आधा खींचते हैं, ये खींचते हैं ऐसे मिला देना है इसको अर्धवृत्ताकार। इसमें मिला देने के बाद आपको क्या करना है, तीन रेखा को ये खींचना है, दो और ये तीन, और यह बीच में एक गोल ऐसे बिंदु दे दीजिए और इसको ऐसे यहाँ से ऐसे कर दीजिए और इसको थोड़ा सा मोटाई कर दीजिए। ये हो गया आपका। अब आगे क्या करना है, तो अब सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से बिल्कुल अर्धगोलाकार है तो इसमें भी वैसे ही ऐसे मिला देना। ऐसे करने के बाद आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस से पूरा इसी के समरूप चारों बगल से इसको घुमा देना। ऐसे घुमाने के बाद फिर से आपको क्या करना है, एक रेखा यहाँ से, एक रेखा यहाँ से, एक रेखा यहाँ से, एक रेखा यहाँ से ऐसे खींच देना। ऐसे खींचने के बाद आपको क्या करना है, बिल्कुल सीधा जहाँ तक है बिल्कुल सीधा और इसको इसमें मिला दीजिए। इसके बाद इसको इसमें, इसको ऐसे ऐसे मिलाने के बाद आपको फिर से एक काम क्या करना है, यहाँ आने दीजिए, इसको इसमें मिला दीजिए, सेम प्रोसेस से इसको यहाँ तक इसको आने दीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए। ऐसे मिलाने के बाद आपको क्या करना है, बिल्कुल सीध में इसको मिला देना। ऐसे सीध में मिलाने के बाद आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, इसको ऐसे कीजिए, इसको ऐसे, सेम प्रोसेस से इसमें भी जैसे यहाँ से आया है इस रेखा को ऐसे करिए और ऐसे और इसको ऐसे और इसको बिल्कुल मिला दीजिए, ये बीच वाला अब मिटा दीजिए। अब ये हो गया। अब क्या करना है, इसको ऐसे कर दीजिए, सेम प्रोसेस से इसी बगल भी, इस बगल भी ऐसे इसको कर दीजिए और अब जहाँ जहाँ ये है सामने वाला भाग इसको कलर कर दीजिए हल्का रंगीन भाग, इसमें भी और इस बगल भी। ऐसे करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ इसको लेकर इसको गोलाई कर दीजिए और यहाँ से पूंछ निकाल दीजिए। इसके बाद आपको ये चित्ता चित्ता आपको पूरे दे देना है जहाँ तक सर। अब उसके बाद क्या करना है, त्रिशूल बना देना है। पहले ऐसे खींचिए फिर इसी प्रकार ऐसे और इसको ऐसे करिए, इसको ऐसे करिए
और इसको ऐसे कीजिए, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, और इसमें ऐसे मिलाइए, इसको ऐसे मिला दीजिए। यहाँ से इसको नीचे आने दीजिए, सेम प्रोसेस से इस बगल भी इसको ऐसे मिला दीजिए। तो ये हो गया आपका शिवलिंग तैयार। वीडियो को अंत तक